2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस बैठक को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी, शरद पवार, केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी है, लेकिन कल रहेगी या नहीं इसका पता नहीं। पवार के इस बयान से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल शरद पवार से ये पूछा गया था कि साल 2024 के चुनाव में महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी, इसके अलावा क्या इस गठबंधन में प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी शामिल किया जाएगा। इसी के जवाब में शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग एक्टिव हो गया। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक IT विभाग ने पूर्व कांग्रेस मंत्री गंगाधर गौड़ा के दो आवासीय परिसरों और दक्षिण कन्नड़ के बेलथांगड़ी में एक शैक्षणिक संस्थान पर छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी में क्या हाथ लगा इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सोमवार को आयकर विभाग ने तमिलनाडु की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की। खबर है कि चेन्नई समेत तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। देश में कोरोना के हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। भारत में एक दिन में 7,178 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 16 मरीजों की मौत भी हुई है। अकेले केरल में ही 8 लोगों की जान गई। इसके साथ ही अब देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 65,683 पहुंच गई है। फिलहाल देश का रिकवरी रेट 98.67% है, जबकि मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है।